हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक कमेंट में। मैं आपका दोस्त और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट डिजिटल अमेंट का। मुझे बहुत सारे लोगों को मिल रहा है और उन्होंने इस ऑफर का, जो पहला अवार्ड मैंने बाइक जीतने का दिया है, उस ऑफर का बहुत लोगों ने सराहना किया और बहुत लोगों ने मुझे स्पेशली मेल भी किया और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कमेंट डाले। तो मैं उन सारे को कंसिडर करूंगा और इसका व्यूज भी बहुत ज्यादा गया है, इसमें बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है। तो क्या आप बाइक जीतने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी फ्री में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने को तैयार हैं? क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब पाने को तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं दूसरा वीडियो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। इस वीडियो के लास्ट में भी एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस जरूर करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस मौके का फायदा, जो बाइक उठाने का, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने का और जॉब पाने का है, वो आप कर सकते हैं। तो गाइस, मैं इसमें आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, इसमें आपको अपना नंबर और ईमेल डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत लोगों को पसंद नहीं लगता। तो इसे आप चाहे तो मेरे ईमेल आईडी पे भी मुझे डिटेल दे सकते हैं, या जब भी आपका नाम आएगा मैं आपको रिप्लाई करके आपसे कॉन्टेक्ट नंबर ले लूंगा, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो नीचे दिए गए नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लास्ट में भी आज एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए, आज का टॉपिक है व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। आपको हर कंसेप्ट को समझना होगा। तो आज के एजेंडा हमारे क्या क्या होंगे? व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ एफिलिएट वेबसाइट, बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, बेनिफिट्स फॉर मर्चेंट, बेनिफिट्स फॉर एफिलिएट। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर इसे आप सीख जाते हैं तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है या जो लोग एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं जॉब के बाद, वो भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आप उस चीज़ को जरूर देखें, पिछले वीडियो को जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्वेश्चन का। ये कुछ ही टाइम के लिए सीमित है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला है व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग जब से स्टार्ट हुआ है, जो ऑनलाइन लोग हैं इसमें बहुत सारे लोगों के लिए काफी अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन अर्न करने का। अगर आप ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं जो 7 फिगर सैलरी तक हो सकता है, तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग यूज करना होगा। इससे पहले आपको एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझना होगा, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, ये सारी चीजें आपको समझना होगा। आइए चलते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी मर्चेंट एफिलिएट मार्केटिंग चला रहे हैं वो अपने कुछ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर्स बनाते हैं और अपना रिवेन्यू जनरेट करते हैं। क्या कोई भी पर्सन पार्टनर बन सकता है? हाँ, बिल्कुल सही, कोई भी पर्सन एफिलिएट पार्टनर बन सकता है, क्योंकि जो कमीशन होता है, जो रेवेन्यू होता है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। अगर आपने परफॉर्मेंस दिया इन रेड सिनेरियो, आप बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हैं। आपको पता है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग का कंसेप्ट कब स्टार्ट हुआ था? जब हमारा वर्ल्ड वाइड वेब WWW स्टार्ट हुआ था, उससे पहले 1994 में दो लोगों द्वारा एफिलिएट मार्केटिंग का लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है पीसी फ्लावर्स एंड गिफ्ट। इन्होंने 1994 में डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग का लॉन्च किया था और एक साल बाद 2000 पार्टनर्स इनके बने हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि 1994 में जब ऑनलाइन जमाना नहीं था, तब 2000 लोग इनके पार्टनर्स बने थे।
या इनका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किए थे। आपको पता है कि बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग जो आज के डेट में है, अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग 1996 में स्टार्ट हुआ था। जितने भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है उसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अपना सेल्स को इंक्रीज करने का बिना किसी प्रमोशन के। ये समझ सकते हैं कि जो भी मर्चेंट होते हैं वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। बिना किसी प्रमोशन के अपने सेल्स का इंक्रीज कर सकते हैं तो उसमें उन्हें फ़ायदा होगा और फायदे का कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा। अगर आप काम करते हैं, आप उनके प्रमोशन करते हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। बहुत सारे मॉडल्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, बट जो गेम चेंजिंग हुआ है वो वेब 2.0 के आने के बाद। वेब 2.0 आने के बाद जो है इसमें यूजर जनरेटेड कंटेंट बना है, ऑप्टिमाइजेशन हुआ है और सोशल मीडिया का इंटीग्रेशन हुआ है। ये आपको जानना होगा कि वेब 2.0 के बाद कितने डिफरेंस आए हैं। तो अब जो है इसमें ऑर्डिनरी पीपल भी लाइक ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये सब भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में और काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। आज की जनरेशन जो है, जो डिजिटल बायर हैं, उन्होंने मार्केट के ट्रेंड को चेंज किया है। वो चाहते हैं रिकमेंडेशन। अगर आप उन्हें रिकमेंड करते हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इन दैट सिनेरियो वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे और इससे आपको कमीशन मिलेगा। जो भी इसमें इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर हैं वो काफ़ी अच्छा पैसा अर्न करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? एफिलिएट मार्केटिंग जो हमारे ऑनलाइन डिजिटल बायर्स हैं उन्हें उभारने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपने प्रोडक्ट को रिकमेंड किया, वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग को अगर सिंपली कहा जाए तो इट इज अ मार्केटिंग विच इज मेनली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अगर आप परफॉर्मेंस देते हैं इन दैट सिनेरियो ये आपका बहुत ही अच्छा मार्केटिंग है। इसमें आप रिवेन्यू तभी जनरेट कर सकते हैं जब आप परफॉर्मेंस देते हैं। आपने अपने वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया साइट पे अपने लिंक का प्रमोशन करते हैं, इन दैट सिनेरियो जो भी पोटेंशियल डिजिटल बायर्स होते हैं वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं और जो मर्चेंट होते हैं उन्हें ये पता चलता है कि ये इस लिंक से आया है और उस पर आपको कमीशन मिलता है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अब जब भी हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसमें तीन तरीके के लोग होते हैं। पहला मर्चेंट, दूसरा एफिलिएट, तीसरा डिजिटल बायर्स। अब मर्चेंट के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मर्चेंट क्या करते हैं कि वो अपना कुछ ऑफर निकालते हैं जिससे लोग उनके एफिलिएट प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हो और वो एफिलिएट का प्रोडक्ट करते हैं, एफिलिएट का प्रमोशन करते हैं, ना कि अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। अब वो उनका एडवर्टाइजमेंट में तो कुछ खर्च हुआ नहीं, वो एक लिंक क्रिएट करते हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटर के रूप में काम करते हो तो आपके लिए एक लिंक क्रिएट करते हैं। उस लिंक को जब भी डिजिटल बायर ओपन करता है इन दैट सिनेरियो आपको उसका इनकम, कुछ कमीशन मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल से यही है। ये मर्चेंट को इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, उनका सेल्स इंक्रीज होता है तो इससे लोगों को बहुत फायदा होता है। दूसरा है मच एफिलिएट द पर्सन हु इज डूइंग द एफिलिएट मार्केटिंग इज गॉट एफिलिएट पर्सन। इसमें क्या होता है कि वो मर्चेंट का प्रोग्राम देख के उसको प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, वो अपने वेबसाइट पे रिकमेंड करते हैं और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया साइट पे रिकमेंड करते हैं, एड चलाते हैं, उससे वो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं। तीसरा है डिजिटल बायर्स। डिजिटल बायर्स ने काफ़ी ही ज़्यादा कंसेप्ट चेंज कर दिया है।
पहले वो ट्रेडिशनली बिजनेस करते थे, बट अब डिजिटल बायर्स क्या देखते हैं कि उनको रिकमेंडेशन मिले, वो यूट्यूब पे जाते हैं। तो एफिलिएट मार्केटर्स के लिए यूट्यूब भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो डिजिटल बायर्स चाहते हैं कि अपने दोस्तों से, अपने जिन्हें वो फॉलो करते हैं, वो कोई प्रोडक्ट के बारे में बताए, किसी की वेबसाइट पे जाए। इससे आपका ना बहुत ही ज़्यादा, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, फेक मार्केटिंग करते हैं, तो इससे आप बहुत ही ज़्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप एज अ डिजिटल मार्केटर, आप अपना अपना वेबसाइट है, आपका अपना वेबसाइट है, तो आप अपने वेबसाइट पे इनका लिंक डालोगे तो आपकी डोमेन ऑथोरिटी बढ़ेगी, आपको वो डोमेन ऑथोरिटी देंगे, इससे आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा, आपका SEO अच्छा होगा, आपको भी बहुत तरीके से बेनिफिट्स है। तो अब बात करते हैं आगे, टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट, टाइप्स ऑफ एफिलिएट वेबसाइट, किस तरह के एफिलिएट वेबसाइट होते हैं। पहला प्राइस फीचर कंपैरिजन वेबसाइट, जिसमें प्राइस या फीचर कंपैरिजन ये कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनका प्राइस, उनका फीचर के बारे में लिख सकते हैं। अगर प्रोडक्ट की रिव्यू वेबसाइट, इसमें आप क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, जिसका भी आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उसका प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं। तीसरा है पर्सनल वेबसाइट, आप अपनी पर्सनल वेबसाइट में भी एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट का रिव्यू दे सकते हैं। चौथा है कूपन वेबसाइट, आप अपने कुछ कूपन वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट का वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, आप अगर वीडियो बनाते हो लेट्स सिनेरियो और आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। शॉपिंग डायरेक्टरी, आपका कुछ शॉपिंग डायरेक्टरी हो जैसा वेबसाइट होता है, अब है बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। जब भी हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो कितने बंदों एक को बेनिफिट्स होगा, पहला मार्केटिंग को, दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग पर्सन को, तो हम हर पॉइंट देखते हैं। आइए बेनिफिट्स फॉर मर्चेंट क्या होता है, पे फॉर परफॉर्मेंस, वो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट का कमीशन देते हैं जो उनका अपने प्रोडक्ट बिकेगी होगी उसी का कमीशन देते हैं, इसमें कोई इवेंट चार्ज नहीं होगा। इसमें वो बताते हैं आपको पर प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, स्टार्टिंग में जब आप अप्लाई करते हो उस इवेंट का बताया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप काम करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगला है ईजी ट्रैकिंग, कोई भी मर्चेंट जब एफिलिएट मार्केटिंग को लॉन्च कर रहे हैं तो उन्हें एक लिंक देते हैं, वो लिंक को बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि किस पर्सन के कारण उनका कौन सा प्रोडक्ट होगा और उस पर वो कमीशन देते हैं। अगला एक्सपोजर एंड मोर इम्पोर्टेंट, आप की जब बात करते हैं तो आपके वेबसाइट पे डोमेन ऑथोरिटी मिलेगा, उनका लिंक मिलेगा, तो इससे आपके वेबसाइट का एक्सपोजर होगा और उस पर बहुत सारे आपका प्रोडक्ट, तो आपके वेबसाइट को एक्सपोजर मिला, आपके वेबसाइट पे मोर इनबाउंड लिंक्स, जो मैं SEO के पार्ट में बताया था रिंक अर्निंग, तो रिंक अर्निंग का ये भी एक तरीका है। अगला इंक्रीज इन ट्रैफिक थ्रू रेफरल्स, उन मर्चेंट की वेबसाइट पे क्या होता है कि रेफरल्स के थ्रू ट्रैफिक इंक्रीज होता है, अगर आपने प्रोडक्ट का प्रमोशन किया तो उनकी वेबसाइट पर रुक जाएंगे और वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ेगा। अब अगला बात करते हैं लीड जनरेशन, जब भी हम किसी के प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं तो उनका लीड जनरेशन होता है, वो टारगेट करते हैं। इसमें एक कंसेप्ट है कुकीज का, सपोज इस पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक काल्पनिक पर्सन राम का नाम लेता हूँ, राम ने क्या किया,
कि अपने वेबसाइट पे उसने लिंक दे दिया, राम के किसी दोस्त ने या उसके किसी अनदर पर्सन ने उस लिंक को देखा। सपोज वो अमेजोन पे मोबाइल का देता है, अब उसके दोस्त ने लिंक को देखा, ओपन किया और अचानक से उसे कुछ काम याद आ गया। वो चला गया घर। घर जाने के बाद फिर वो शाम को आया, उसने ओपन किया और चीज कर लिया, मोबाइल को नहीं, उसने कपड़े कुछ परचेज कर लिया। अब कपड़े परचेज करने क्या राम को कमीशन मिलेगा? अब बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि कुकीज जो होता है हर वेबसाइट का अलग अलग होता है। हर वेबसाइट का 30 से 60 दिन का कुकीज होता है, और उस सिनेरियो में क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है कि उसका जनरेशन वहाँ, वो कस्टमर जो आए थे वो राम के कारण आए थे, तो राम को कमीशन मिलेगा ही, बट कि राम ने यह मोबाइल का एफिलिएट प्रोग्राम किया था, तो आप समझ सकते हैं कितना प्रॉफिटेबल है। अगला बेनिफिट फॉर एफिलिएट, नो इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका वेबसाइट नहीं है, इन डेट्स लिए आपको वेबसाइट बनाना पड़ सकता है, तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपका वेबसाइट है तो आप अपने काम के लिए यूज करते हैं वहाँ पे आप अपना, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला मिनिमल और नो ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें आपको कुछ भी करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होती, जो आपकी कॉस्टिंग बढ़ाए। ये बहुत कि बिना पैसे लगाए हुए लोग बिजनेस कैसे करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगला नो नीड टू स्टॉक प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट स्टॉक करने की जरूरत नहीं, आपको स्टोरेज रूम की रेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें वो क्या करेंगे कि जाएंगे और जाने के बाद जो है ना ऑर्डर करेंगे, वो सीधा मर्चेंट के पास ऑर्डर आएगा, आपके पास आपका कमीशन आ जाएगा। अगला है पॉसिबिलिटी टू अर्न मनी 24x7, आप 24x7 में आप सोए हुए हैं पैसे कमा सकते हैं, आप खेलने गेम में आप पैसे कमा सकते हैं, आप ड्यूटी गेम में आप पैसे कमा सकते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। अगर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक सारी देखनी चाहिए। अगला राज और गैस टूरिज ऑनलाइन, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पहले के ज़माने में बिजनेस के लिए स्किल्स वर्कर और ये सब की जरूरत होती थी, तो वो बिजनेस करने के लिए बड़े सिटी की ओर आते थे, बट अब उसकी जरूरत नहीं है, अब वो घर से भी कर सकते हैं। अगर मल्टीपल प्लेटफॉर्म टू यूज फॉर दी प्रमोशन, आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन के लिए करने के लिए लिंक्डइन यूज कर सकते हैं, फेसबुक यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया साइट यूज कर सकते हैं, वेबसाइट यूज कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिलेगा इसे यूज करने के लिए। थैंक यू गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आज का क्वेश्चन है कि जो एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट किसने लेके आया था, और 1 साल के बाद उसके कितने पार्टनर बने थे। तो थैंक यू गाइज, आज के इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।